बोलिएगा कौन? हाँ, पहले आप गणपति बप्पा बोल रहे हैं। SNI के सभी प्यारे प्यारे और सुधी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं, यश धन कीर्ति की प्राप्ति हो और अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत हो और सफलता आप सभी के कदम चूमे, ऐसी बप्पा से प्रार्थना करें। तो गणपति बप्पा के आगमन की किस तरह का इंतजार होता है कि बप्पा आए? जैसे कि बप्पा का नाम है विघ्नहर्ता, तो सर्वप्रथम मन में यही ख्याल आता है कि विघ्न है, विघ्नहर्ता हमारे जीवन में, आप सभी के जीवन में जो भी छोटे मोटे विघ्न है उसे हर लीजिए और आप अपने नाम के साथ हम पर आशीर्वाद दीजिए और हमारे जीवन में खुशियाँ। यहाँ सेट पे पहली बार गणपति बप्पा का आगमन हुआ है, तो आप लोगों में ग्रुप में कुछ बात हुई थी गणपति बप्पा आ रहे हैं तो किस तरह की तैयारी होगी? जी बिल्कुल, बात तो होती नहीं है, वो जैसे ही गणपति बप्पा का आगमन होना है ये सुनकर आपस में ही सबके तार एक साथ और जुड़ गए और सबने एक साथ बप्पा को याद किया। और वैसे भी हम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो बप्पा के आगमन से हम ज्यादा खुश, ज्यादा व्यस्त और ज्यादा मस्त हो गए। तो बप्पा के आने से सेट पे किस तरह का माहौल चेंज हो जाता है? बिल्कुल, बप्पा के आने से जब साक्षात स्वयं भगवान आपके साथ हो, आपके समक्ष हो, तो वाकई आप में अननोइंगली सारी पॉजिटिविटी आ जाती है और आप कुछ भी बोले, कुछ भी करें तो एक कॉन्शियसनेस आ जाती है। और अपने हाथों से भी आप कभी बप्पा के लिए कुछ बनाते हैं? जी हाँ, मैं हर साल अपने घर पे बप्पा जी की पूजा करती हूँ और उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर भी चूँकि मैं गुजराती हूँ तो गणपति बप्पा को चूरमा के लड्डू यानी गुड़, घी और गेहूं के आटे से बने हुए चूरमा के लड्डू जिसके ऊपर हम पुष्टदाना लगाते हैं, तो वो लड्डू मैं बप्पा के लिए लेकर आई हूँ। और बप्पा को मोदक बहुत प्रिय है तो मैं मोदक भी लेकर आई हूँ। बप्पा को सारी मीठी चीज़ें पसंद है, तो अब तो बप्पा रहेंगे तो धीरे धीरे उन्हें सारी चीज़ों का प्रसाद चढ़ाऊंगी और खिलाऊंगी और बप्पा को खुश करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू। ओके।